नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मांगरमऊ के उन्नाव से। कोतवाली क्षेत्र के उन्नाव हरदोई मार्ग पर स्थित आगरा लखनऊ रेलवे एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार कार में फंस गया और कार शिक्षक को करीब 100 मीटर तक दूर तक घसीटती हुई लेकर चली गई। हादसा में बाइक सवार शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई। शिक्षक की अचानक मृत्यु की सूचना मिलते ही परिजनों तथा ग्रामीणों में कोहराम मच गया। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डंडिया के मजरा सुनौरा निवासी शैलेंद्र सिंह 39 वर्ष पुत्र मनोहर लाल ब्लॉकगंज मुरादाबाद अंतर्गत ग्राम हरईपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत था। शिक्षक शैलेंद्र सिंह प्रतिदिन की भांति आज गुरुवार को सुबह बाइक से विद्यालय जा रहा था, तभी हरदोई उन्नाव मार्ग पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अंडरपास की निकट सर्विस लेन मोड़ के सामने विपरीत दिशा से तेज गति से आ रही अज्ञात कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार शिक्षक शैलेंद्र सिंह कार में फंस गया और कार उन्हें घसीटते हुए करीब 100 मीटर दूर तक लेकर चली गई। हादसे में बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद चालक वाहन सहित भाग गया। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस शिक्षक को लहूलुहान हालत में यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां पर चिकित्सकों ने शिक्षक को मृत घोषित कर दिया। शिक्षक बाइक चलाते समय हेलमेट लगाए हुए था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। शिक्षक की अचानक मौत की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई और परिजन तथा ग्रामीण वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आ पहुंचे। मृतक पहले अपने गांव में ही शिक्षा मित्र था, बाद में करीब 2 वर्ष पूर्व मृतक शैलेंद्र सिंह की शिक्षक के पद पर नियुक्ति हुई थी। मृतक के 2 पुत्र आयुष्मान सिंह 5 वर्ष, समरेंद्र सिंह 7 वर्ष है। आज पुत्र आयुष्मान सिंह पिता का शव देख कर बार बार बेहोश हो जा रहा है और परिजन उसके चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में ला रहे हैं, जबकि पत्नी सरोजनी दहाड़े मारकर रो रही हैं। अब उसके अबोध बच्चों का पालन पोषण आखिर कौन करेगा। करीब 1 वर्ष पूर्व मृत शिक्षक के पिता मोहनलाल फालिज अटैक से विकलांग हो गए थे। अपने जवान और कमाऊ पुत्र का शव देखकर मृत शिक्षक की पिता मोहनलाल और वृद्ध मां सावित्री रो रोकर उनका बुरा हाल है।